इतनी प्यारी होती है ना पुरानी तस्वीरें, भूल जाते हैं कभी हम भी छोटे से थे, अम्मी अब्बा के साथ बैठ के तारी करते थे, सहरी करते थे, और पेरेंट्स इतने यंग लग रहे हैं पिक्चर्स में और हम भी कितने यंग लग रहे हैं पिक्चर्स में। ये मेरी बचपन की तस्वीरें हैं, आई हैव सो मेनी एल्बम्स, इतनी तस्वीरें हैं। जब आप पिंडी गई थी लास्ट टाइम तो अब्बा सॉर्ट आउट कर रहे थे तस्वीरें, तो मैंने कहा मुझे भी चाहिए, और मैं तकरीबन आधा जो है उनका स्टॉक उठा के ले आई। और ब्यूटीफुल मेमोरीज, कभी कभी दिल करता है बस दोबारा से छोटे हो जाएं और कोई टेंशन ना हो, ना बिल्स की, ना खर्चों की, ना बच्चों की, बस मज़े मज़े, बस अम्मी अब्बा की बात माननी होती थी, स्कूल जाना होता था, नथिंग एल्स। क्या दिन थे, क्या दिन थे फैसल। ये तस्वीर देखें, मेरी पहला रोज़े खुशाई की तस्वीर। ओए होए, ए होए, मेरी तो वो पिक्चर कहीं होगी। ये पहला रोज़ा था जो पक्का रोज़ा था, पूरा रोज़ा रखा था मैंने, चिड़ी रोज़ा नहीं था। ओए हाय हाय हाय, ये इतनी पुरानी एल्बम है, ये आप इसकी कवर से ही देखिए आप समझ सकते हैं कि ये कितनी कितनी पुरानी है, मोर देन 50 इयर्स। ये देखें तस्वीर है हमारी, अम्मी मैं, मेरी इतनी पतली कमर, उफ, निकाल के फोटो दिखाती हूँ। कुकिंग का शौक था और मैं ये पिज्ज़ा बना रही हूँ अफ्तारी के लिए। Yes. ये अब्बा अफ्तारी के बाद, मुझे याद है, फिर फ्रूट चाट आप बाद में खाते थे, पहले फ्रूट चाट, हाँ फ्रूट चाट। और अम्मी कुछ पढ़ाई कर रही हैं, कोई लेटर कोई देख रही हैं, कोई बिल होगा बिजली का, आई एम श्योर, इतने गौर से देख रही हैं। और मैं ऑफिस में अफ्तार कर करके तंग आ गया। हम कल परसों गए भी, हमें देखा कि भी सबसे फैंसी अफ्तार कहाँ हो रही है, तो 5-star होटल। फैसल ने हमें ट्रीट करानी थी, मुझे, अम्मी, और अजान गया नहीं, अजान के दोस्तों की तरफ अफ्तारी थी, तो हम लोग, फैसल हमें लेके गए, तो आपको 5-star अफ्तारी भी दिखा दूँ, वो भी हम करके आए। ठीक है, या तो मैं अफ्तार के साथ वो दही भले, फ्रूट चाट, समोसे, पकौड़े खाता हूँ, या मैं सिर्फ खजूर से रोज़ा खोल के स्ट्रेट खाना खाता हूँ, वहाँ दोनों चीज़ें होती हैं। वो बंदा इतना ओवरलोड हो जाता है ना, तबीयत खराब होना शुरू। क्या लग रहा है कौन सा बच्चा? नहीं, आपकी हर अफ्तार में फोटोशूट चल रहा होता था क्या? हाँ, ये तस्वीरें, हाँ उस वक्त खींचती थी भाई। आज हम ऐसा करते हैं, हमने प्लान बनाया कि आज हम अपनी अफ्तारी करते हैं जैसे बचपन में करते थे। और बचपन में मुझे याद है कि हर थोड़े दिनों बाद अम्मी कुछ बना के हम सायों में भेजती थी अफ्तारी। मैं जब से अभी शो कर रही हूँ ग्रीन टीवी पे, मुझे टाइम नहीं मिला अफ्तारी भेजने का, क्योंकि अपने हाथ से करना चाहिए। आज मेरा डे ऑफ है, फैसल ऑफिस में बिजी होते हैं, इनका भी डे ऑफ है, हम खुद अफ्तारी बना के आज अपने नेबर्स को देंगे अपने हाथ से। अब वो जाते हुए मुझे शर्म आती है, मुझे याद है पहले तो सारी प्लेटें लेके मैं जाती थी और अम्मी कहती थी बेटा प्लेट वापस लेके आना, अम्मी कहती थी कि प्लेटें वापस लेके आना। अब उसके बाद ना हम रुक जाते थे कि आंटी प्लीज धो के दे दीजिएगा प्लेटें। जब आप किसी घर कोई चीज लेके जाएं और आपके पास कुछ रिटर्न करने के लिए ना हो, तो लोग उस प्याले में पता क्या देते थे, खाली चीनी डाल देते थे। अच्छा, हमारे चीनी वाले नेबर्स नहीं थे। आज अफ्तारी भेजनी है, अफ्तारी भेजनी है, तुम्हारा मेन्यू कुछ ऐसा है कि एक तो है मैंने अफ्तारी पे मटन कढ़ाई आज बनानी है, अजान भी कुछ बना रहा है, हलीम मैंने बनवा लिया फियाज भाई से, आप दही फुल्कियां बनाएंगे, मैं कढ़ाई बनाऊंगी मटन। सब्सक्राइब टू आवर स्टाइल, आज की वीडियो में हम बचपन वाला जो रमजान है उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, बचपन के रोजे मजे के मजेदार, और भेजेंगे हम सायों को अफ्तारी। काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे, देखा है काला चश्मा, शीशा है भी नहीं, मैंने ताकि आंखों में प्याज ना लगे। अच्छा मैडम, कितने बच्चे पास हो गए, कितने बच्चे फेल हो गए? ये क्या मैडम? ये बारीक का चश्मा है, ये सिर्फ लेंस के लिए, करीब से देखने के लिए, करीब से। ये मेरी रेसिपी मेरी है। पता ही नहीं था इसमें चूल्हा ही नहीं जल रहा, मैंने अदरक डाला, चेक कर लिया, ये मेरी रेसिपी नहीं। मटन कढ़ाई में प्याज होता है? खबरदार नहीं, उबला हुआ मटन, थोड़ा मैं मक्खन भी डाल रही हूँ, जीरा डाल रही हूँ मैं, तकरीबन 1 teaspoon कुटी हुई मिर्च, मटन को फ्राई कर रही हूँ ताकि उसमें ना हीट निकल जाए, अदरक में मैंने इसलिए फ्राई किया है, अब ये मैं
कुटी हुई मिर्चें भी डाल दूँ। जीरा डाल दिया, नमक, अच्छा नमक डाला तो अब ये टमाटर बोएंगे नहीं। गोश्त गिला हुआ है कि हम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अच्छा हमने भी जाके समोसे भी लेने हैं, तो जल्दी करें। ओए चुप हो लपो है। श्री रमजान मुबारक। इधर देखो, इधर देख के बोलो रमजान मुबारक। क्या जो पहला जुमला बोना है ना, जो हमने इसको सिखाया, वो था सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल। बेटा वो बर्तन लगाओ जो हमने भेजने थे, जल्दी। सिंपल मटन पिशावरी कढ़ाई जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हमने डाले, टमाटर हैं, ज़ीरा, साबित काली मिर्च, अदरक में इसको मटन को फ्राई किया था जिसको पहले बॉईल कर लिया था, और अब इसको हम ऐसे लगा ढक्कन ज़रूर डालना। हाँ जब तारी मेरी मर्जी की होगी मुझे बताएं कि मैंने जो उसके बाद चाय पीनी है मैंने। हाँ चाय के मेरे बिस्किट्स हैं। बिस्किट्स सर? बिस्किट हैं आपके, बिस्किट्स होंगे फेवरेट? नहीं नहीं होंगे नहीं, अभी चेक करके बताएंगे। और जल्दी से मुझे अतियात सुनाए। फ्रूट के साथ साथ आप और क्या क्या काट लेती हैं जड़ों के अलावा? दही के अंदर थोड़ा सा आप डालते हैं गर्म पानी, इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा जीरा, भुना हुआ जीरा। इसको चेक करने के लिए ये अभी आपके और थोड़ा साफ कर लगाएगा। यहाँ मटन कढ़ाई बन रही है, वहाँ दही फुल्कियाँ बन रही हैं, उसके बाद आपने मेरे जाना है, जाके समोसे लेके आना। देखिए इसमें मैंने डाल दिया चाट मसाला, अब ये इसकी बेस तैयार हो गई है। आप क्या कर रहे हैं ब्रो? मैं बनाऊंगा चिकन, और मैं दुबई गया था ना, मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई थी, अभी यूट्यूब पे मैंने रेसिपी निकाली है और मैं खुद बनाऊंगा पहली दफ़ा, लेकिन देखते हैं कैसे। तो मैंने गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा दही फुल्कियों को रखा, मुझे छाननी चाहिए प्लीज। इसके अंदर डाल दिया बर्फ, और मैंने हॉट सॉस डाला है, अभी और भी डालेंगे, उस वीडियो देख रहा हूँ कैसे बना रहे शक्ल कैसी लग रही है कढ़ाई की, देखा सुक्कड़ बहू आपकी माशाल्लाह। अम्मी को भी मेरा मटन कढ़ाई पसंद है, वैसे और अम्मी भी अब मुकाबले में आ चुकी है नाज़रीन, अम्मी भी है शामिल हो गई और साथ दे रही है अपने बेटे को, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और जो बहू है वो कभी ना कभी सास भी तो बनेगी। चलो अंदर सुतार में फुल किया। वैसे लगा शादी के बाद मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मैंने पता क्या किया, ओहो क्या से क्या हो गया, सही फुल्कियों का तूफान आ गया, सुनामी। माशाल्लाह अम्मी भी मैदान में कूद गई हैं और अम्मी हमें हेल्प कर रही हैं। अम्मी ने कहा बहुत बुरे सेब के छिलके उतारे हैं, और बिल्कुल सही कहा क्योंकि उसमें सेब ज्यादा था छिलके कम। ये आ गया, नहीं आ ही नहीं रहा। दुनिया की सबसे फनी रेसिपी बन रही है। ये है नमकीन दही फुल्की, इसको बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें नहीं चाहिए, बड़ी सिंपल रेसिपी है। आप लीजिए दही, जो नॉर्मल ऑर्गेनिक कुंडे का दही होता है वो लीजिए, और उसके बाद आपने इस दही को लेकर अच्छे से फेंटना है। फेंटने के लिए साथ थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए, ये बहुत ही बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। डाल दिएगा इसमें नमक और सफ़ेद जो ज़ीरा है उसको थोड़ा सा भून के डालें, इसके अंदर अच्छा एरोमा आता है। काली मिर्च डालिएगा और अच्छा सा चाट मसाला डाल के आप इसको रखें।
मैंने आज इसमें थोड़ी सी सब्ज मिर्च भी ऐड कर दी है और साथ कुछ टमाटर्स को बिल्कुल पतला पतला चॉप करके भी डाल दिया है। जब ये इसकी बेस, इसकी जो अब सॉस बन जाती है, जो भी दही का कंप्लीट, जिसका रोज़ा नहीं है उसको पहले चखवाएं कि ये नमक का लेवल ठीक है या नहीं। साथ ही आप फुलकियों को उबलते गर्म पानी में तकरीबन अराउंड एक मिनट रखिए, उसके बाद उसको अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद उसको ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद पहले फुलकियों को नीचे रखें और फिर जो आपने जो दही का और जो भी आपने जो मिक्सचर बना है उसको आराम से ऊपर डाल दें। साथ थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा कि दही पतला भी हो जाएगा और ये ठंडा अच्छा लगता है। और इस वक्त बनाएं, खाएं और फिर मुझे बताइएगा कैसा लगता है। जा रहे हैं समोसे लेने, ताकि जो अफ्तारी देनी है उसमें समोसे भी होने चाहिए। आ जाए, चलो समोसे लेके जाएंगे। हमने अफ्तारी भेजनी है, टाइम हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है टाइम, भाग रहा है टाइम। आप स्लो भी चल रही है, टाइम भाग रहा है तेज के। जलेबी मस्त है, बचपन की एक और याद में इनको बुलाऊं। नोट को ऐसे पकड़ो, गिर ना जाए। ऐसे ही बचपन का रमजान होता था, खुद जाके जलेबी पकौड़े समोसे लेके आते थे। किसी भी वक्त हमारे घर एक बंदा मिसिंग होगा जो बाजार गया होगा, एट एनी गिवन टाइम। दुकानें करीब हों तो ये तो होता है, बट बड़ी ब्लेसिंग है भाई, घर के पास फ्रूट, ग्रॉसरी, दही की दुकान। और अम्मी माशाल्लाह सबसे तेज जा रही हैं, उनको बीट करूँगी माशाल्लाह। मम्मी को बीट नहीं कर सकता, इतना अच्छा तेज वॉक करती हैं और हमेशा हम पीछे रह जाते हैं। फियाज भाई अलीम, मतलब ये मज़ा होता है कि आप रमज़ानों में अपने हाथों से बनाएं चीज़ें और ख़ुद पैकिंग करें फिर भिजवाएं, तो एक अलग ही रमज़ान का होता है स्पेशल। और बचपन में ऐसे ही होता था, हमारी अम्मी एक एक चीज़ खुद बनाती थी और बहनें हम हेल्प करते थे, दैट्स द वे। रोज़ हमने सोचा अभी अगले दिन हम कुछ करते रहेंगे, 10-10, 15-15 घरों में जितना हो जाए सामान। अजान लेके तो देखे आओगे। प्याज भाई हनी, मुझे हलीम के ऊपर से डेकोरेशन दें। समोसे से नहीं बनते आराम से। सब मुझे छोड़ के ना भाग गए हैं, सब चले गए हैं। बड़ी डिशेस में थोड़े से पकौड़े, समोसे, अभी मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ उसको अफ्तारी देने, और टाइम हो गया, उसने मुझे अफ्तारी दिया, मेरी बारी उसको देने। आई थिंक जो सबसे अच्छा दोस्त जाता है ना, तो सबसे पहले उसी के घर पे जाता है, है ना। अभी और भी है, एक और भी दोस्त है मेरा, वहाँ वहाँ भी है। देखिए अंदर क्या हो रहा है। ये क्या है? लेजर। ऐसा भी टाइम था। आज मैंने क्या कहा तुम्हें, दादी ने मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगा तुम्हारे बचपन में, लेके जाओगे तो लेके आ। अब वापस बचपन में आ जाए, बचपन में अभी बहुत टाइम है, तब भी हम ऐसे इंशाल्लाह हंसते मुस्कुरा रहे होंगे, अफ्तारियां कर रहे होंगे। और अभी चलते हैं अफ्तारी की तरफ, टाइम होने वाला है। स्टाफ को दे दें सब। अजान,
ये देखिए अफ्तारी आई है माशाल्लाह, साथ वाले घर से पुलाव आया है और अजान कह रहा था। अब ये देखिए क्या अल्लाह का करिश्मा है। अजान कह रहा मैं तो पुलाव खाना है, मैं फिर पुलाव नहीं बनाया था, मैंने मटन कढ़ाई बनाई है वो खाओगे। हो गया मैंने पुलाव खाना था और बेल बजी, हमसायों से आ गया पुलाव। मलाई कौन है, समोसे हैं, जलेबी हैं, पकौड़े हैं, और क्योंकि आज बड़े दिनों बाद फैसल घर पे हैं, अपने ऑफिस में अफ्तारी करते हैं तो स्पेशल है अफ्तारी। पकौड़ा, समोसा भी है, पकौड़ा भी, दही बड़े भी, दही जलेबी, जलेबी वो भी बस आ जाओ, क्योंकि पेट में डालो चीज़ें। अफ्तारी के बाद छोटी सी नैप, मैंने नैप ले ली। फैसल भी फ्रेश हो रहे हैं, जो हमारे ड्रामों में होता है कि जी मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ, तो फैसल फ्रेश होके आ रहे हैं और चाय अब पियेंगे ताकि फ्रेश हो जाए, आंखें खुल जाए। मुझे चीनी दे दे। आपको चीनी चाहिए? चाहिए, साथ में कीनू की भी चाय होती है इस टाइम। मैं के अंदर शुगर डाली, इतनी सारी शुगर डाली। तो हमारा ये फेवरेट, मैं आपको बताऊँ, बहुत टाइम होता है कि जब हम चाय पीते हैं अफ्तारी के बाद, नींद भाग जाती है, फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद गपशप होती है, बैठते हैं हम, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं। चलो मैं और कीनू तो हार्ट्स खा रहे हैं, आप कह लेंगे और जल्दी मुझे वो ऐड याद है जो होता था हिल स्टेशन पे होता था। हाँ। वो अगेन जब भी मैं इसको देखता हूँ ना, वो मुझे उनकी याद आ जाती है और वो मोमेंट्स बहुत स्पेशल होती हैं और यू गो बैक टू योर इन योर मेमोरीज टू योर चाइल्डहुड और अच्छा लगता है बहुत। बहुत बुजुर्ग बड़े लोग चले गए लेकिन उनसे हमने एक चीज़ ज़रूर सीखी और वो ये कि जब चाय पीनी है ना तो बिस्किट को ऐसे डबो के ऐसे खाना। सब्सक्राइब टू आउट स्टाइल और बताएगा कमेंट्स में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अभी हाँ, थोड़ी अजान अपने किचन में जाओ और उसको कम्प्लीट करो चिकन। खुदा हाफिज़।